चार दिन में चार आतंकी हमलों को लेकर जम्मू कश्मीर के डीजीपी का बड़ा बयान। कहा कश्मीर में आतंकवादियों की मदद करने वाले नतीजे भुगतने के लिए रहें तैयार, आतंकियों के टुकड़े टुकड़े करके भेजेंगे। नीट में ग्रेस अंक मिलने वालों का स्कोर कार्ड रद्द, सभी 1563 छात्रों के लिए 23 जून को परीक्षा का होगा आयोजन। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनटीए का जवाब, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा अगर कोई दोषी होगा तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को अपर रिवर यमुना बोर्ड जाने का दिया आदेश। अतिरिक्त पानी देने के मामले में फटकार के बाद हिमाचल प्रदेश सरकार ने मांगी माफी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में मंत्रियों का कार्यभार संभालने का सिलसिला जारी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा सेना का मनोबल सबसे ऊपर, भारत की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता। नागरिक उद्यान मंत्री राममोहन नायडू ने कार्यभार संभालने के बाद दिए बड़े संकेत, हवाई किराए की होगी समीक्षा, आम लोगों का रखा जाएगा ध्यान। अपने तीसरे कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली होंगे रवाना। कल पीएम मोदी G7 सम्मेलन के आउटरीच सेशन में हिस्सा लेंगे, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। कुवैत अग्निकांड में 41 भारतीयों की मौत के बाद विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन कुवैत पहुंचे, पीएम मोदी के निर्देश पर घायलों का जाना हालचाल, राहत कार्यों का लिया जायजा। बीजेपी के पेमा खांडू लगातार तीसरी बार बने अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, एटानगर में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए अमित शाह और जेपी नड्डा।